नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज भी जो है आरसीबी टीम से जुड़ी कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। तो भाइयों, अगर आप भी आरसीबी टीम के जबरे वाले फ़ैन हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। वहीं हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि रोजाना अपडेट्स हमेशा आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग के सभी फ्रेंचाइजियों ने आईपीएल 2021 सीज़न के लिए अपने सभी रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जो है जारी कर दी है। आरसीबी की टीम ने इस बार सबसे ज़्यादा 10 खिलाड़ियों को अपनी टीम से रिलीज़ कर दिया है, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के टॉप खिलाड़ियों जैसे कि विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, चहल सुंदर को रिटेन किया है। रिटेन किए जाने का मतलब ये है कि इन खिलाड़ियों को एक साल का एक्सटेंशन मिल गया है और इन्हें इस सीज़न के लिए उतने ही पैसे दिए जाएंगे जिस दाम पर वे खरीदे गए थे। इसके साथ ही दोस्तों आरसीबी टीम के लिए एक बार फिर से हमें खेलते हुए नज़र आने वाले हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर अपडेट्स की। बात करें पहली अपडेट की, तो पहली अपडेट आ रही है यहाँ पर दोस्तों एबी डिविलियर्स को लेकर। इनसाइड स्पोर्ट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरसीबी के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स आईपीएल टी20 लीग के इतिहास के पहले ऐसे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने अब तक 100 करोड़ रुपए की कमाई की है। हालांकि इस लीग में एबी से पहले एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और सुरेश रैना इतनी कमाई कर चुके हैं, यानी अब इन खिलाड़ियों के साथ एबी डिविलियर्स भी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गए हैं। वो पांचवें ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, लेकिन बतौर विदेशी वो ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक एबी डिविलियर्स को एक सीजन के लिए 11 करोड़ रुपये मिलते हैं और इसकी वजह से वो 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गए हैं। 100 करोड़ के क्लब में वो धोनी, रैना, कोहली के साथ शामिल हो गए हैं। आईपीएल 2021 के अनुबंध के बाद एबी ने आईपीएल में अब तक कुल 102.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। एबी डिविलियर्स की पहचान पूरी दुनिया में एक बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर की जाती है। मई 2018 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन इसके बाद भी वो टी20 प्रारूप के शानदार बल्लेबाज हैं। आईपीएल के पिछले सीजन में यानी कि 2020 में उन्होंने अपनी टीम आरसीबी के लिए 35.40 की शानदार औसत के साथ जो है 454 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट इसमें 158.4 का रहा था। वहीं बात करें उनके पूरे आईपीएल के करियर की, तो यहाँ पर दोस्तों एबी ने 169 मैचों में 40.40 के औसत के साथ 4849 रन बनाए हैं। एबी साल 2008 में दिल्ली की टीम का हिस्सा बने थे और पहले सीजन में उन्हें दिल्ली की टीम ने 1 करोड़ से कुछ ही ज़्यादा रकम देकर खरीदा था। इसके बाद आरसीबी ने उन्हें साल 2011 में अपनी टीम में 5 करोड़ से कुछ ज़्यादा रकम देकर खरीदा था। उसके बाद से ही वो आरसीबी टीम का हिस्सा हैं और आरसीबी टीम के वो सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं विराट कोहली के बाद। विराट कोहली से बिल्कुल भी कम नहीं है। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जो हैं दोनों ही आरसीबी टीम की जान हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करें दूसरी अपडेट की, तो दूसरी अपडेट आ रही है यहाँ पर दोस्तों आरसीबी टीम की मैनेजमेंट को लेकर, जहाँ पर दोस्तों आरसीबी की टीम जो है ऑक्शन 2021 से यहाँ पर कैमरन ग्रीन या फिर काइल जेमिसन को पिक कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो हम कैमरन ग्रीन एक ऐसे ऑलराउंडर हो सकते हैं जिन्हें आरसीबी टीम पिक कर सकती है ऑक्शन 2021 से, क्योंकि क्रिस मॉरिस को उन्होंने पहले ही बाहर कर दिया है। ऐसे में दोस्तों आरसीबी टीम को यहाँ पर स्क्वाड में एक अच्छा ओवरसीज ऑलराउंडर भी चाहिए होगा, और अगर कैमरन ग्रीन जो है ऑक्शन में अवेलेबल रहते हैं तो फिर आरसीबी टीम जो है उनके पीछे पड़ सकती है, वो आरसीबी टीम के स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं। वही दोस्तों काइल जेमिसन भी यहाँ पर आरसीबी टीम के लिए एक अच्छे पिक साबित हो सकते हैं। वो न्यूजीलैंड के हैं और काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर भी हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी जो है कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के हैं, वही दोस्तों काइल जेमिसन जो है न्यूजीलैंड के हैं। हमने हाल ही में देखा है कि इन दोनों खिलाड़ियों का जो है प्रदर्शन जो है काफ़ी शानदार रहा है। ऐसे में ऑक्शन 2021 में अवेलेबल रहेंगे और इनके पीछे जो है कई टीमें पड़ भी सकती हैं। तो दोस्तों आरसीबी टीम भी एक ऐसी टीम होगी जो कि क्रिस मॉरिस के प्लेस पर यहाँ पर इन दोनों ही खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती है। इसके बाद दोस्तों बात करें तीसरी अपडेट की, तो तीसरी अपडेट आ रही है यहाँ पर संजू सैमसन को लेकर, जहाँ पर दोस्तों आरसीबी की टीम और चेन्नई की टीम इन दोनों ही टीमों ने संजू सैमसन को अपने स्क्वाड में शामिल करने की कोशिश की थी, ऐसे रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। दोस्तों आईपीएल 2021 की नीलामी से पहले सभी रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। सबसे बड़ा उलटफेर राजस्थान रॉयल्स में देखने को मिला, जहाँ पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी स्टीवन स्मिथ को टीम ने रिलीज कर दिया और संजू सैमसन को टीम का नया कप्तान बना दिया गया है, जो कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट में केरल की कप्तानी भी कर रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों सैमसन को कप्तानी दे दी गई है, इस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन पिछले साल उनके प्रदर्शन के कारण उन्हें यह इनाम मिला है। संजू सैमसन को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत की वनडे और टी20 सीरीज में भी शामिल किया गया था। सैमसन के प्रदर्शन को देखते हुए विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी टीम और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई की टीम ने उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहती थी। दोस्तों यह दावा जो है पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने किया है। आकाश चोपड़ा ने स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में कहा है कि चेन्नई और आरसीबी ने
संजय सैमसन को लुभाने की कोशिश की थी। ये टीम राजस्थान रॉयल्स से सैमसन को ट्रेड करना चाहती थी, लेकिन राजस्थान ने ऐसा नहीं होने दिया और उन्हें अपने साथ बरकरार रखते हुए उन्हें यहाँ बड़ा कद दे दिया है, उन्हें कप्तान बना दिया है। तो दोस्तों आरसीबी टीम भी जो है संजू सैमसन को अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहते थे, मगर दोस्तों राजस्थान की टीम यहाँ पर ट्रेड करने के लिए रेडी नहीं हुई और सैमसन को अपना कप्तान भी बना दिया है टीम ने, स्मिथ को रिलीज कर दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करें चौथी अपडेट की, तो चौथी अपडेट आ रही है यहाँ पर दोस्तों आरसीबी टीम के रिलीज किए गए खिलाड़ी उमेश यादव को लेकर, जहाँ पर दोस्तों रिलीज होने के बाद उमेश यादव ने यहाँ पर इंस्टाग्राम पर आरसीबी को अनफॉलो कर दिया है। उमेश यादव ने फिलहाल जो है चेन्नई को फॉलो करना शुरू कर दिया है। अब इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उमेश यादव जो है दोस्तों वो चेन्नई की टीम में जा सकते हैं, ऑक्शन 2021 में चेन्नई की टीम उन्हें पिक कर सकती है, उनके ऊपर बोली लगा सकती है। आरसीबी टीम को छोड़ते ही उमेश यादव ने यहाँ पर आरसीबी को अनफॉलो कर दिया और चेन्नई टीम को फॉलो करने लगे हैं, इसलिए दोस्तों कयास यही लगाया जा रहा है कि चेन्नई की टीम यहाँ पर उमेश यादव को खरीदने वाली है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सारी अपडेट्स आरसीबी टीम से जुड़ी हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।